हरी 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 बोल, बोल। हरे कृष्णा। हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री रूप गोस्वामी उपदेशामृत में बताए, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो क्रमेण रसना मनस निजज्य तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम नएद अखिल ईति उपदेश सारे। रूप गोस्वामी ने बताए एक श्लोक में उन्होंने जितने सारे उपदेश है सबका सार उन्होंने एक श्लोक में ही बता दिया। हम लोग पूरा 5-6 दिन से केवल एक ही कथा सुने, तन्नाम। हमारी पहला निष्ठा होनी चाहिए भगवान का नाम में ही, हमारी सबसे पहला निष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि भगवान और उनका नाम में कोई फर्क नहीं। अभिन्नत्वात् नाम नामिने, भगवान और नाम में कोई फर्क नहीं। एक दिन श्री नारद जी ब्रह्मा को पास में गए, पिताजी को पास में। बोले, पिताजी सब शास्त्र कहता है हरि से बड़ा हरि का नाम है, और भगवान और उनका नाम में कोई फर्क नहीं बताए। मैं डायरेक्ट रूप में इस चीज को प्रूफ रूप में देखना चाहता हूँ, प्रमाण रूप में इसको देखना चाहता हूँ, मेरे को प्रमाण दो। ब्रह्मा जी ने बताया, देखो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान भी अनंत, उनको कथा भी अनंत, उनका नाम भी अनंत है। अभी तक उनका नाम का, रूप का, गुण का अभी तक भी कोई था नहीं पाए। बताओ मैं कैसे भगवान के नाम की महिमा में कैसे बताऊं? बोले, फिर पिताजी इसकी महिमा कौन बता सकते हैं? बोले, जाओ श्री शंकर जी के पास, क्योंकि शंकर जी पंचमुखे राम नाम गान के पुरारी, इसलिए शंकर जी पंचमुख में हर समय वो भगवान के नाम को जप करते हैं। बोले, महामंत्र जई जपत महेशा, शंकर जी दिन रात भगवान की नाम को जप करते हैं। तुम जाओ श्री शंकर जी को पास में। नारद जी उठाया बीणा, हैं बीणा बजाते बजाते बोले, नारद मुनि बाजाए बीणा राधिका रमण नामे। जानते हो कि भजन को नहीं? हरि नाम अमनी उदित है भक्ता गीत सामे, नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण नाम। ओके, ठीक है। इसलिए श्री नारद जी हर समय अपना वीणा में क्या करते हैं, भगवान की नाम को कीर्तन करते हैं। अभी नारद जी नाम कीर्तन करते करते पहुंचे कहाँ पर? पहुंचे श्री शंकर जी के पास में। शंकर जी से प्रश्न प्रार्थना की, बोले, भैया बड़े भैया आप कृपा करके बताओ, हर शास्त्र कहता है हरि से बड़ा हरि का नाम है, और भगवान और उनका नाम में कोई फर्क नहीं। बोले, हाँ। बोले, मेरे को प्रूव करके दिखा, हाँ? मेरे को प्रमाण करके दिखा दो कैसे भगवान और भगवान का नाम में कोई फर्क कैसे नहीं, ये बात को बताओ। शंकर जी बोले, देखो मैं हर समय भगवान का नाम तो लेता हूँ, अभी तक भी भगवान के नाम की महिमा अभी तक भी मैं समझ नहीं पाया है। बोले, ये बात को कौन बताएगा? बोले, जाओ श्री अनंत देव के पास, क्योंकि श्री अनंत देव उनकी अनंत मुखार बिंद है। वो अनंत मुंह में अनंत भगवान की अनंत कथाओं को, नाम को वो गुणगान करते ही अनंत देव के पास में जाओ। तब श्री नारद जी बिना बजाते बजाते श्री अनंत देव के पास में गए। भले, आप कृपा करके बताओ, भगवान और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं, कोई प्रूव करके दिखा दो मेरे को। अनंत देव बोले, देखो मैं अनंत काल से अनंत भगवान की नाम को अनंत मुंह में कीर्तन कर रहा हूं, लेकिन अभी तक भी उसका कोई अंतर नहीं पाया।
बोले आप भी कोई अंतर नहीं पाए? बोले नहीं। बोले फिर ये नाम की महिमा हमें कौन बताएगा जे भगवान और भगवान का नाम एक ही है? बोले तो धर्म राजा को पास में जाओ। धर्म राजा कौन है? यम महाराज है। बोले श्री यम महाराज को पास में जाओ, उनका नाम ही धर्मराज है, धर्म का राजा है, हैं? वो तराजू में नाप करके, हाँ, न्याय अन्याय को तराजू में नाप करके सबको इसका विचार देते, वही बताएंगे। तब तो उन्होंने श्री वीणा बजाते बजाते पहुंचे श्री जम महाराज के पास में। उनको भी यही एक ही प्रश्न किया। जम महाराज बोले एक काम करो, यहाँ पर चार दरवाजा है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। बोले तुम ये दक्षिणी दरवाजा में चले जाओ। दक्षिणी दरवाजा में कौन है? बोले जो जैसे कर्म करता है वो कर्म के अनुरूप उनको वहीं पर वैसे दंड मिलता है। बोले जाओ दक्षिणी दरवाजा में जाओ। जब दक्षिणी दरवाजा में पहुँचे वहाँ पर देखा जम महाराज पापियों को कैसे सजा दे रहे थे। जो शराब पीते हैं उसको मुंह में लोहे को गर्म करके डाल रहे थे। बोले ये मुंह भगवान ने क्यों दिया? भगवान के नाम जप करने के लिए दिया ना, और ये मुंह में तुमने शराब पिए हो, हैं? इसलिए लोहे गर्म करके डाल रहे थे। जो जानवर को काट करके खाते हैं उनको करत में उनको काट रहे थे, हैं? करत में काट रहे थे, उनको चीख रहा था छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। जो मांस को मछली को जैसे कढ़ा में उनको छोंक करके बनाते ना, ऐसे उनको पकौड़ा जैसे बनाते हैं, ऐसे गर्म तेल में उनको पकड़े जैसे गर्म तेल में भून रहे थे, हैं? और जो तराज में हेर फेर करते हैं, तराज में, हैं? तराज समझते हो नहीं? हाँ, जो उल्टा पुल्टा भोजन इधर उधर करते हैं उनको हाथ काट रहे थे, हैं? अभी जो जैसे जैसे कर्म कर रहा था उसको ठीक वैसे वैसे वहाँ पर दंड दी जा रही थी, और वो सब के सब चीख रहे थे बचाओ बचाओ, और ये हैं, और ये गड़बड़ी हम नहीं करेंगे, माफ कर दो, हमें माफ कर दो। नारद जब देखा कैसे ये सजा पा रहे हैं, कैसे दुख भोग कर रहे हैं, इतने में से नारद जी देख करके जोर से बोले, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोर से बोला, बोले निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जब उन्होंने भगवान के नाम को ग्रहण किया, वो जितने पापी लोग नरक में भोग कर रहे थे ना, उनको कानों में जब भगवान का नाम कान में पड़ा, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम है, भगवान और उनको नाम में कोई फर्क नहीं, उनको कान में नाम पड़ते ही वो जितने पापी थे सीधा मुक्त हो गए, सब के सब गोलोक वृंदावन चले गए। जब चले गए इतने में यम महाराज ने बताया, नारद जी अभी तुमको समझ में आई कि नहीं? भगवान और उनको नाम में कोई फर्क नहीं, अभी तुम्हारी समझ में आ गई? बोले हाँ अभी आ गई, क्योंकि भगवान के नाम सुनते ही वो सब के सब पापी मुक्त होकर के भगवत लोक में चले गए। बोले क्यों? भगवान और उनका नाम में कोई फर्क नहीं। इसलिए एक भजन गाते हैं, बोले हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, वाल्मीकि अति दीनहीनता बुरे कर्म में सदा लीनता, रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। इसलिए कहते जिन जिन्हों ने भगवान का नाम लिया वो सब के सब भव सागर से पार हो गए, हैं? वाल्मीकि जैसे दस्यु रत्नाकर था, जिसकी मुंह से राम का नाम भी नहीं निकला, जब नारद जी बोले राम बोलो उसको मुंह से राम का नाम नहीं निकला,
बोले तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले मरा मरा बोल सकते हो, बोले हाँ ये तो बोल सकता। इसलिए उन्होंने मरा मरा बोलते बोलते बोले तो उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, उल्टा नाम लेते लेते उन्होंने रामायण को लिख दिया उन्होंने, हैं। इसलिए जिस समय भगवान राम अभी लंका में जाएंगे सीता को उद्धार करने के लिए, हैं, इतने में समुद्र को उन्होंने रास्ता मांगे, समुद्र रास्ता दी नहीं, बड़ा राम को क्रोध आया, बोले पूरा समुद्र को सुखा दूंगा। इतने में समुद्र प्रकट होकर के बोले देखो आपका साथ में दो बंदर है, कौन कौन दो बंदर है, कौन कौन दो बंदर थे, नल और नील, हैं। ये बचपन में बड़े नटखट बंदर को देखे कि नहीं, हम वृंदावन में तो बंदर बंदर है, इसलिए बंदर बड़े नटखट होते हैं, हैं। एक दिन एक ऋषि भजन कर रहे थे, उनको जितने आचमन पात्र और उनका जितने आसन को लेकर के समुद्र में फेंक देते हैं, ऋषि को बड़ा क्रोध आया। अभी उन्होंने क्रोधित होकर के अभिशाप देना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा एक दिन ये दो बंदर प्रभु राम की सेवा करेंगे, तब उन्होंने अभिशाप दिया कोई चीज जब तुम पकड़ करके पानी में फेंकोगे वो डूबेगा नहीं, वो तैरेगा, वो डूबेगा नहीं, वो तैरेगा, उनको अभिशाप दिए। लेकिन वही अभिशाप वरदान हो गया, वो अभिशाप वरदान हो गया। इसलिए समुद्र ने कहा देखो प्रभु आपका साथ में दो बंदर हैं, एक नल एक नील है, इनको वरदान है कोई भी चीज को स्पर्श करके पानी में फेंकेंगे तो वो डूबेगा नहीं, वो तैरेगा। आप इनको द्वारा क्या करो, सेतु बनाओ। भगवान राम ने आदेश दिया बड़े से बड़े पत्थर लाओ, और नल नील उसमें केवल स्पर्श करते थे, छोड़ते वो पानी में तैरता है, लेकिन सीमेंट का जरूरत है ना, सीमेंट का जरूरत है। बोले सीमेंट क्या करेगी, बोले एक पत्थर में रा और दूसरे में म, जब रा और म लिखते थे दोनों अपने आप जुड़ जाते थे, हाँ वो सीमेंट का काम करता था। और हनुमान जी सबको पर राम नाम लिख करके हाँ छोड़ देते थे, तैरता था फिर जुड़ जाता था। भगवान राम को बड़ा आश्चर्य लगा, बोले मेरे नाम में देखो कितने शक्ति है, मेरे नाम को लेकर के ये पत्थर को छोड़ते तो पत्थर तैरता है और डूबता नहीं, वो तैरता है। भगवान राम ने देखा मैं भी एक दो पत्थर उठा करके फेंक करके देखता हूँ वो डूबता ना तैरता है। बोले अगर ये सबको सामने अगर पत्थर उठा करके फेंकू अगर ये डूब जाए ना फिर तो मेरे नाक कान कट जाएगी। बोले हम भगवान का नाम को लेकर के हम पानी में ऊपर छोड़ते वो तैरता है और भगवान स्वयं पत्थर को उठा करके फेंके तो ये क्या हुआ डूब गया, फिर तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। राम ने देखा एक झाड़ी में जा करके एकांत में हैं एक झाड़ी को अंदर में जा करके फेंक करके देखता हूँ। भगवान राम गए एक पत्थर उठाया और पानी में फेंके, देखा वो तो डूब गया। बोले ये क्या हो रहा है, मेरे नाम को लेकर हैं मेरे नाम को लेकर छोड़ते हो तो तैरता है, मैं स्वयं राम हूँ और मैं फेंकता हूँ तो डूबते जा रहा है। उन्होंने और एक पत्थर उठाया फिर फेंके वो भी डूब गया। बोले ये क्या हो रहा है। इतने में हनुमान जी बोले प्रभु जी कहाँ गए, क्योंकि हनुमान कभी प्रभु से अलग नहीं रहते थे, इधर उधर देखा बोले प्रभु नहीं दिख रहे हैं, प्रभु जी कहाँ हैं। देखते देखते देखा हनुमान जी ने जैसे बच्चा पत्थर उठा करके पानी में फेंकते हैं ना, बच्चे खेलते हैं ना पत्थर उठा करके, भगवान ऐसे खेल रहे हैं। बोले भगवान का ये कौन सा नया लीला, भगवान बच्चे जैसे पत्थर उठा उठा करके फेंक रहे हैं। इतने में राम तो सोच रहे थे कोई देख नहीं रहा, लेकिन हनुमान जी देख लिया। हनुमान जी हठात प्रकट हुए, बोले प्रभु ये क्या हो रहा है। राम चौंके, बोले तू कहां से आ गया, तू कहां से आ गया। बोले प्रभु आपको छोड़कर तो मैं रह ही नहीं सकता हूँ, इसलिए दुनिया चले ना प्रभु राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, प्रभु आपको तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। बोले प्रभु ये बच्चे जैसे
आप ये पत्थर उठा उठा करके पानी में क्यों फेंक रहे हो? बोले हनुमान मेरे मन में बड़ी शंका हो गया है। बोले अब कहाँ मन में शंका, अब तो भगवान हो, किस विषय में शंका? बोले तुम लोग मेरे नाम को लेकर के ये पत्थर को ऊपर में लिख करके फेंकते हो, ये पत्थर तो तैरता है, मैं स्वयं राम हूँ, पत्थर को उठा करके जब फेंकता हूँ वो तैरता नहीं, वो डूब जाता है। हनुमान जी क्या रहस्य मेरे समझ में नहीं आ रही है। बोले प्रभु जी ये तो सीधी सी बात है। बोले सीधी सी बात, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, सीधी सी बात कैसे? बोले प्रभु ये पत्थर क्यों तैरता है? क्योंकि आपकी नाम की सहारा लिया है, आपकी नाम का सहारा उसने लिया। जो आपका नाम का सहारा लेगा वो तो तैरेगा ही है, वो तो तैरेगा ही। लेकिन ये पत्थर क्यों डूब रहा है? आप उसको पकड़ करके फेंक रहे हो। फेंकना मतलब क्या है? आप उसको त्याग दे रहे हो। बोले प्रभु जगत में ऐसे कौन सा व्यक्ति हो जिसको आप त्याग दे दोगे वो कभी तैर सकता है? तो डूबेगा ही, क्योंकि आप दुनिया का मालिक है ना, दुनिया का मालिक है आप हो। अगर आप इसको छोड़ दोगे, त्याग दे दोगे प्रभु, वो कभी भी तैर नहीं सकता है, वो तो डूबेगा। बोले ओ यही बात है। बोले हाँ यही, इसलिए बोले भगवान का नाम को अगर हम आश्रय ग्रहण करें ना, बस तैर जाएंगे हम, भव सागर से तैर जाएंगे, हाँ इसलिए तैर जाएंगे। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं पहला हमारा जो आसक्ति किस में होनी चाहिए? बोले तन नाम। सबसे पहले हमारी रुचि भगवान की नाम की प्रति होनी चाहिए, दृढ़ विश्वास रखनी चाहिए भगवत नाम को ऊपर में, ठीक है ना। इसलिए उठते बैठते सोते हर समय क्या करो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जैव धर्म में श्री भक्ति विनोद ठाकुर तीन तरह का वैष्णव का नाम दिया, तीन तरह का वैष्णव बताए। पहला नंबर है कनिष्ठ, दूसरा नंबर है मध्यम, तीसरा नंबर है उत्तम। तीन वैष्णव का नाम लिया है। बोले कनिष्ठ वैष्णव कौन है, सबसे छोटे वैष्णव कौन है? कहते जो एक बार जो कृष्ण नाम को लिया है, हैं? एक बार जो कृष्ण नाम को ग्रहण करता है कहते वो कनिष्ठ है। बोले मध्यम कौन है? कहते जो हर समय उठते बैठते सोते हर समय भगवान का नाम जप करता है, हैं? इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं नाम बिना जन प्रभु काल नहीं जाए। मतलब भगवान के नाम के बगैर जैसे हमारा समय नहीं बीतनी चाहिए, हैं? हर समय भगवान के नाम जप करते रहो। इसलिए पुराण में एक श्लोक बताए, जीवा हमारी अधीन में, जीवा हमारी अधीन में, हम जैसे बोलेंगे जीवा वैसे करेगा, हैं? इसलिए आश्चर्य की बात है, जीवा तुम्हारी अधीन में, मन तुम्हारी अधीन में, लेकिन आश्चर्य की बात है तब भी ये जीव नरक जा रहे हैं, तब भी ये जीव नरक जा रहे हैं। इसलिए जब जीवा अधीन में है हमारी, फिर हम ये जीवा को भगवत नाम क्यों नहीं उच्चारण करवाते? इसलिए कहते जो निरंतर भगवत नाम ग्रहण करता है उसको मध्यम बताए। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, कहते 10 तरह का नाम अपराध है। कितना तरह का? 10 तरह का, हाँ 10 तरह का नाम अपराध है। अगर हम ये 10 तरह का नाम अपराध को छोड़ करके प्रेम हमें मिलेगा, कृष्ण प्रेम मिलेगा। लेकिन कहते जो 9 तरह का जो अपराध है अगर हम कोशिश करें छूट जाएगी। 9 तरह का अपराध कोशिश करो, ये 9 तरह का अपराध से हम मुक्त हो सकते हैं, हैं? अगर कोशिश करेंगे। आपको पता है कि नहीं
दस्तर का नाम अपराध। वैष्णव का निंदा नहीं करनी चाहिए कभी, गुरु जी का प्रति अवज्ञा नहीं होनी चाहिए, भगवान और भगवान का नाम में अभिन्न बुद्धि नहीं करनी चाहिए, नाम की महिमा जो शास्त्र में बताया अति स्तुति नहीं माननी चाहिए। हरि एक हरि नाम से जितना पाप खत्म होता है, पापी का हिम्मत नहीं उतना पाप नहीं कर सकता है। इसलिए उसमें जो नौ तरह का जो वैष्णव अपराध बताया, कोशिश करने पर छोड़ सकते हैं, लेकिन बोले एक अपराध को छोड़ना बड़ा कठिन है। बोले वो एक अपराध क्या है जिसको छोड़ना बड़ा कठिन है? कहते ये शरीर के प्रति मैं और मेरा, ये शरीर मैं हूं और ये शरीर मेरा है। कहते ये अपराध छूटना बड़ा कठिन है, क्योंकि शरीर में ही हमारा आसक्ति, इसको ही खिलाते हैं, इसको ही पिलाते हैं, इसको सजाते हैं, इसको स्नान कराते हैं, उसको ही सब कुछ हम करवाते हैं, इसलिए शरीर का आसक्ति कैसी जाएगी है? और ये मेरा है, ये सब कुछ घर दुकान मकान सब मेरा है, हैं? कहते ये अपराध छोड़ना बड़ा कठिन है। प्रश्न करते हैं फिर क्या ये अपराध नहीं जाएगी? फिर ये अपराध क्या जा नहीं सकती? बोले हाँ, एक केवल एक उपाय है ये अपराध से मुक्त होने के लिए। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अगर निरंतर हरि नाम करेंगे हैं, हर समय उठते बैठते सोते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर कोई हर समय में हरि नाम अगर करेगा, केवल एक ही उपाय है, तभी ये अपराध से मुक्त हो सकते हो। क्यों? अगर सब समय हरि नाम करते रहोगे फिर तुम्हारे दिमाग में फिर तो और कोई दूसरे चीज आएगी नहीं है। इसलिए महाप्रभु बोले कि सयने कि भोजने कि बा जागरणे आहर निश चिंता कृष्ण बोलो बदने, सोते उठते बैठते खाते क्या करो, हाथों में काम और मुंह में भगवान का नाम हर समय करो। बोले सोते समय कैसे करेंगे? ठीक है, चलते समय हरि नाम कर लिया, काम करते समय हरि नाम कर लिया, आप कह रहे हो सोते समय भी हरि नाम करेंगे? सोते समय तो हाँ, सोते समय तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, सोते समय हमारा कोई ध्यान ही नहीं रहता है, फिर ये सोते समय फिर हरि नाम कैसे करेंगे? तो उसका उपाय बताए। कहते आप देखना किसी विषय में आप जब ज्यादा आविष्ट रहते हो, कोई भी विषय में आप देखना बहुत उसमें जब डूब जाते हो चिंता करते करते कोई चीज, आप देखना सोते समय भी आपको ही स्वप्न में आएगा, है ना? जैसे बहुत कोई विषय में ज्यादा उसमें डूब गया सोचते सोचते, आप देखना सोते समय भी देखोगे आपको वही याद आती है। इसलिए कहते अगर हम हर समय में अगर हम हरि नाम करेंगे, आप देखना सोते समय भी आपका मुंह से भगवान के नाम निकलता रहेगा। इसलिए जो हमारे छह गोस्वामी थे ना, ये 24 घंटा भजन करते थे, कभी आधा घंटा एक घंटा सोते थे, लेकिन उसमें भी राधा कृष्ण का स्वप्न देखते थे। 24 घंटा तो भजन करते थे, लेकिन जब एक आधा घंटा जब सोते थे तब भी उनको मुंह से ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की। इसलिए कहते ये मध्यम वैष्णव, कहते उत्तम वैष्णव कौन है? बोले जिनको दर्शन मात्र से ही मुंह से कृष्ण नाम निकल जाए, हैं? दर्शन मात्र से मुंह से कृष्ण नाम निकले, कहते वो उत्तम वैष्णव है। इसलिए तीन तरह का वैष्णव है। इसलिए यहाँ पर रूप गोस्वामी कहते हैं तन्नाम, क्या करो? पहले भगवान की नाम में निष्ठा रखो। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म में कहते हैं हम जो मध्यम कनिष्ठ उत्तम वैष्णव बोलते हैं, हैं? जब बोलते हैं ये पता कैसे चलेगा उत्तम मध्यम कनिष्ठ वैष्णव ये चीज किसको पर निर्भर करता है?
कहते निर्भर करता है जो जितने अपराध रहित तो होकर के जो जितना नाम करता है, अपराध से मुक्त होकर के जो जितना नाम करता वो उतना बड़ा वैष्णव है। हाँ, वैष्णव निर्भरता करता है नाम अपराध को साथ में करता कि नहीं, इसलिए उसमें नामाभास, नाम अपराध, शुद्ध नाम, प्रतिबिंब नाम, हाँ, छायाभास नाम, फिर उसमें बहुत, इसलिए एक ग्रंथ है जिसका नाम हरि नाम चिंतामणि, श्री भक्ति विनोद ठाकुर लिखे हैं। ये हरिदास ठाकुर और महाप्रभु, हाँ, ये दोनों में वार्तालाप हो रही है, दोनों में वार्तालाप हो रही है, हैं? इसलिए जिसमें हरिदास ठाकुर का मुंह से महाप्रभु सुन रहे हैं, किसको नामाभास, किसको नाम अपराध, छायाभास, प्रतिबिंबभास, ये नाम किया और शुद्ध नाम किया है। जब हम दूसरा बार आएंगे ना, हम वो ग्रंथ को सुनेंगे, इसलिए वो ग्रंथ का नाम है हरि नाम चिंतामणि। मतलब जो हरि नाम है वो चिंतामणि, चिंतामणि मतलब क्या, जो मांगोगे वही मिलेगा। चिंतामणि मतलब हरि नाम से जो मांगोगे, हरि नाम तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करेगा। इसलिए अगली बार हम वो ग्रंथ को सुनेंगे, जितना दिन तक इधर रहेंगे ना, केवल उसी ग्रंथ को सुनेंगे, श्री महाप्रभु हरिदास ठाकुर से मुंह से कैसे हरि नाम की महिमा कैसे सुन रहे थे। क्योंकि कलयुग में केवल भगवत प्राप्ति का केवल एक उपाय है, हरि नाम। उपाय क्या है, हरि नाम केवल एक उपाय भगवत प्राप्ति का। इसलिए अगली बार इसी ग्रंथ के ऊपर में हम सबके सब इसी ग्रंथ के ऊपर में हम अगली बार सुनेंगे। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते तन्नाम, पहले हमारी निष्ठा किसको प्रति होनी चाहिए, बोले भगवान का नाम, बोले दूसरा निष्ठा रूप, उनके रूप में है, बोले इसलिए भागवत में श्री गुरुदेव कहते हैं तीन जगह पर भगवान के रूप की महिमा तीन व्यक्तियों ने बताया, बोले कौन कौन बताए, बोले पहला नंबर में बताए ब्रह्मा जी, दूसरे नंबर में कहते ये मथुरा की रमणिया द्विजो पत्नियों ने, तीसरा नंबर है श्री राधा रानी। इसलिए भागवत में तीन जगह में भगवान की जो रूप की महिमा तीनों व्यक्ति ने बताए। आज एक श्लोक सुनेंगे, ये ब्रह्मा जी हैं, ये ब्रह्मा जी क्या बताते हैं, बोले जिस समय ब्रह्मा जी ने कृष्ण का बछड़े सखा को चुराया, जब चुराए इतने में भगवान कृष्ण जैसे बछड़े सखा थे, कृष्ण ठीक, हरि बोल, कृष्ण एकदम ठीक वैसे ही उन्होंने अपना रूप को धारण किया, हैं ठीक, ओके, इसलिए जब धारण किया ब्रह्मा जी, जब बछड़े सखाओं को चोरी करके उन्होंने एक गुफा में रख दिए, गुफा में रख करके जब ब्रह्मलोक में पहुंचे, वो ब्रह्मलोक में पहुंचे से पहले, हरि बोल हरे कृष्ण, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में पहुंचने से पहले कृष्ण ही ब्रह्मा बनकर के चले गए, और जो दरवान थे ना, बोले देखो मैंने देखा मेरे जैसे कुछ बहु रुपया को घूमते हुए, बहु रुपया जानते हो, जो मेरे जैसे रूप को लेकर के घूम रहे हैं, मैं जा रहा हूं अंदर में, अगर मेरे जैसे कोई आएगा ना घुसने मत दिया करना। जब ब्रह्मा वहां पहुंचे, उसका जो दरवान थे, नौकर थे, वो डंडे लेकर के ब्रह्मा को मारने खदड़े, बोले प्रभु तो सही बता रहे थे, हैं मेरे जैसे कुछ रूप धारण करके घूम रहे हैं, अरे हमारे प्रभु तो अंदर में बैठे, तू कहां से आ गया। जब डंडे लेकर के मारने दौड़े, ब्रह्मा बोले ये क्या, मेरे नौकर मेरे को मार रहे, हम भगा रहे हैं, फिर मेरे रूप को धारण करते हुए कौन बैठ गया। ब्रह्मा जी ध्यान लगाए ना, भगवान कृष्ण ही बैठ गए, प्रभु ही बैठ गए। फिर तो ब्रह्मा जी बोले मैं तो गड़बड़ी कर दिया। फिर ब्रह्मा जी उतरे और गए, और उतरते उतरते एक साल हो गया, फिर आकर के देखते हैं प्रभु जी वैसे लीला कर रहे हैं,
बोले ये क्या, सबको तो मैंने छुपा करके रख दिया, क्या प्रभु वहां से ले आए हैं? फिर जा करके देखा नहीं, वो तो जैसे वैसे सोए पड़े हुए। तो उन्होंने एक साथ में दोनों तरफ में चार सर है, इधर दो सर और इधर दो सर, जब एक साथ में दोनों तरफ को देखा, भगवान ने अपना विभूति दिखाया, देखो ये कौन है, हैं? देखा वो तो एक नारायण का नाभि कमल से ब्रह्मा की सृष्टि हुई, देखा जितने सखा बछड़े सबके सब नारायण 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 सबके सब नारायण। फिर ब्रह्मा को पता चला कृष्ण कौन है, कृष्ण कौन है, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रहम अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारणम, उनको पता चला। फिर ब्रह्मा जी हंस वाहन के ऊपर में खड़े हुए थे, फिर उन्होंने कूद पड़े, कूद करके उन्होंने कृष्ण के चरण में सीधा लेट गए, लेट करके आंखों का आंसुओं से भगवान का चरण को उन्होंने स्नान कराए, और खड़े होकर के आंख को मलते मलते खड़े होकर के भगवान को जब स्तुति किया है, कहते ब्रह्म स्तुति का जो पहला श्लोक है, कृष्ण का रूप का वर्णन किया है, कृष्ण कैसे हैं ये रूप का वर्णन किया हुआ, इसलिए हम पहला श्लोक को सुनेंगे। कृष्ण ब्रह्मा कृष्ण के लिए क्या कहते हैं, बोले नव मिड्डते अभ्र बपुसे तड़िताम्बराय गुंजाव तंस परिपीछ लसत मुखाय बन्न स्रजे विशाल बेणु मृदुपदे पशुपांग जाय। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु नव मिड्यते, आपका चरण में हम प्रणाम करते हैं। बोले कब प्रणाम करते हैं, बोले आप मेरे प्रभु हो, आप मेरे प्रभु हो, मैं आपका दास हूं, इसलिए सबसे पहले प्रभु के चरण में उन्होंने शरणागति हो गए हैं। क्योंकि शरणागति किस लिए हो गए, उनको समझ में आ गया ब्रह्मा कौन है, मेरे पिताजी की पिताजी की पिताजी की ये पिताजी श्री, ये ब्रह्मा जी, इनको ये बात समझ में आ गया, इसलिए कह रहे प्रभु आपका चरण में हम प्रणाम करते हैं। कहते भगवान की चरण में प्रणाम करने का बड़ा महत्व है, इसलिए शास्त्र कहता है अगर कृष्ण चरण में एक बार कोई प्रणाम कर लिया ना, बोले कृष्ण प्रणामी नपुनर्भवाय, ये जगत में जन्म लेना नहीं पड़ता है। कहते एक बार जो कृष्ण का चरण में प्रणाम करेगा कभी भी मैया का दूध दो बार नहीं पिएगा। मतलब क्या है, बोले दूध कब पिएगा, जब जन्म लेगा तब तो दूध पिएगा ना, मतलब एक बार प्रणाम कर लिया तो माँ के पेट में तुमको आना ही नहीं पड़ेगा है। इसलिए पहले नव मिड्यते, बोले प्रभु अभ्र बपु से, भगवान की शरीर कैसे है, श्याम रंग का, भगवान का रंग कैसे है, कृष्ण काले है ना, कैसे काले, कोलतार जैसे काला नहीं, कोलतार समझते हो, कोलतार जैसे काला नहीं, बोले अभ्र बपु से घनस नील मणि, भगवान की रूप को भक्ति विनोद ठाकुर एक कीर्तन में गाते हैं, इंद्र नील मणि कृष्ण रूप खानी हेरिया कदम्ब मोले मन ओ चाटन नाचल चरण संसार गे लाम भोले। इसलिए कहते भगवान की रंग कैसे है, आपको कल पूछूंगा, बताना मेरे को ठीक है, ध्यान देकर सुनो, कृष्ण का रंग कैसे है, बोले बरसालु मेघ जैसे, बरसालु मेघ जैसे घन, घन श्याम बताए ना, मतलब जब मेघ इकट्ठे हो जाए हैं तभी जैसे उसका रंग है, कृष्ण का रंग वैसे। बोले मतलब क्या है, इसका मतलब कृष्ण का रंग काला क्यों, मतलब बताए, बोले जो मेघ है हैं, जो पानी, पानी मतलब होता है कृपा, पानी को पता है कृपा है, लेकिन ये जैसे मेघ पानी जब घना रूप धारण करता है तब वो श्याम रंग होता है। मतलब है ब्रह्मा जी कह रहे, बोले प्रभु
पाणी मतलब होता है कृपा, इसलिए आप कौन हो, बोले आप कृपा सिंधु हो, इसलिए बना हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपे सह गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। इसलिए कृपा सिंधु कृष्ण बड़ी दयालु है। वेग मतलब पानी, पानी मतलब कृपा। कृपा जब इकट्ठा हो जाता है, घनीभूत हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, फिर बरसती, बोले कृपा रूप में बरसती है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले प्रभु आप तो कृपा की समुद्र, मैंने अपराध किया ना, आपको बछड़े सखाओं को चुराया, इसलिए लेकिन आप कौन हो, आप तो अभ्र बपू से, आप कृपा सिंधु हो, इसलिए प्रभु आप मेरे ऊपर में कृपा करो। इसलिए कहते अभ्र बपू से, अभ्र बपू से वैसे तो आप घना मेघ है, बोले तड़ी तम्बराय है। आप देखना मेघ तो सुंदर है, लेकिन जब उसमें बिजली चमकती है फिर उसमें और सुंदर हो जाता है। इसलिए कृष्ण तो सुंदर है ही है, लेकिन उनको जो पीताम्बर है, कृष्ण का शरीर में पीताम्बर पहनते ना, जब पीताम्बर पहनते हो उसी समय वो बिजली तो चमक करके चली जाती है, लेकिन आपका शरीर में जो विद्युत स्थिर रूप में, विद्युत स्थिर रूप में मतलब वो जाती नहीं, हर समय आपका शरीर में शोभायमान। बोले क्यों, बोले आप पीताम्बर क्यों पहनते हो, बोले कारण है राधा रानी का जो अंग कांति है तप्त कांचना गौरांगी। राधा रानी का अंग कांति एकदम कैसे तपे हुए सोने जैसे हैं, इसलिए कृष्ण क्यों ये नीला पीताम्बर क्यों पहनते हैं, बोले राधा रानी के अंग कांति जैसे है, इसलिए राधा रानी के ऊपर में राधा रानी के प्रति कृपा, राधा रानी के प्रति प्रेम है। राधा रानी कौन सा वस्त्र धारण करती है, कहते नील वसना गौरी रूपे गुणे धन्या। राधा रानी का वसन कैसे, नील वसन। बोले क्यों, वो नील वस्त्र क्यों धारण करती है, क्योंकि कृष्ण का रंग नील है, कृष्ण का रंग नील है, मतलब दोनों दोनों का प्रति प्रेम को प्रकाश करते हैं। कृष्ण राधा जी को प्रेम करते हैं और कृष्ण राधा रानी राधा कृष्ण के प्रति, इसलिए तड़तम्बराय बोले गुंजाब तंस परिपीछ। कहते भगवान कानों में जो कुंडल धारण करते हैं, गले में जो माला, कहते गुंजाब एक गुंजा फल, देखे हो नहीं देखे ना, और इतने छोटे छोटे फल होता है हाँ, और लाल होता है, उसके ऊपर में काला दाग होता है, उसके ऊपर काला रंग होता है, इतने छोटे छोटे, इसलिए भगवान कानों में जो भूषण धारण करते हैं वो गुंजा फल का ये भूषण है, और गले में गुंजा पाला, इसका मतलब क्या, बोले मतलब है कहते महाप्रभु श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को दो चीज दिए थे, एक गिरिराज शिला और एक गुंजा माला। बोले रघुनाथ ये जो गिरिराज शिला है ये कृष्ण है, और जो गुंजा माला है ये श्री राधा रानी का स्वरूप है, इसलिए इसलिए कर्णभूषण रूप में कृष्ण वो राधा रानी को जैसे धारण करते हैं हैं, और गले में माला राधा रानी को गले में माला रूप में, कहते ये एक अर्थ है। बोले दूसरा अर्थ क्या है, कहते जो गुंजा माला वो जंगल में वो अपने आप मिलता है, उसके लिए पैसा देकर खरीदी करने का जरूरत नहीं, जंगल में घूमो ना, जंगल में हमारे भारत में वो अपने आप पेड़ में होता है हैं। इसलिए कृष्ण शिक्षा देते हैं, देखो मेरे को संतुष्ट करने के लिए ऐसे नहीं, बहु कोई कीमती चीज हो हम भगवान को दे तभी भगवान खुश होते हैं, ऐसे नहीं। भगवान कहते हैं प्रेम चाहिए, मेरे पास में प्रेम चाहिए, प्रेम से कोई वस्तु अगर मुझको दोगे मैं उसी को ही ग्रहण करता हूँ। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम त्वयम जो मैं भक्ता प्रजति, कहते जो चार चीज का नाम लिया है ना, जो बिना पैसा में ये चार चीज मिलता है, पता कहीं से कहीं पता, तुलसी पता हाँ लेकर के दे दो, पुष्पम किसी पेड़ से कोई एक फूल लेकर दे दिया हाँ, तो तोयम थोड़ी सी पानी लेकर के दे दिया, फलम कहीं पेड़ से के फल लिया ठाकुर को दे दिया, बस ठाकुर इसमें ही खुश हो जाते हैं। इसलिए बोले गुंजाब तंसम, भगवान कर्णभूषण गुंजा माला,
गुंजाब तह सब परिपीछ लसत मुखाय। भगवान मयूर पंख धारण करते हैं। पहले मैंने बताया था ना एक दिन, आप लोगों को बताया था ना भगवान ये मयूर पंख क्यों धारण करते हैं, आपको बताया ना, कहाँ बताया, नहीं बताया आपको मयूर पंख भगवान क्यों, भगवान मयूर पंख क्यों धारण करते हैं, इसमें इसमें चार पांच कारण बताया। आप ध्यान देकर सुनो, फिर अगली बार आपसे सुनूंगा, ठीक है? इसको ध्यान देकर सुनो, मैं देखूंगा किसको याद है। पहला नंबर है जो मयूर, ये ब्रह्मचारी, ये कभी पत्नी को साथ में नहीं मिलता है। मयूर कभी भी पति पत्नी कभी नहीं मिलते हैं, हैं? इसलिए ये ब्रह्मचारी, इसलिए भगवान ब्रह्मचारी को बड़े प्यार करते हैं, इसलिए मयूर पंख धारण। दूसरा कारण किया, बोले मोर पंख में श्री राधा रानी का नाम लिखा हुआ है, हैं? इसलिए मानो कृष्ण मयूर पंख लगा करके दुनिया में घोषणा कर रहे, राधा रानी का नाम की घोषणा करते हैं, राधा जी की महिमा को बखान करता है। दूसरा कारण है। बोले तीसरा कारण क्या है, अब लोग ब्रजमंडल परिक्रमा में गए, गहवर वन को परिक्रमा लगाए होंगे, वहां पर एक मयूर कुटी है जहां पर राधा रानी कभी मयूरणी बनी थी। राधा रानी कभी मयूर, कृष्ण मयूर और मयूरणी राधा रानी बनी थी, इसलिए राधा रानी के स्मरण करने के लिए उन्होंने मयूर पंख धारण करते हैं। चौथा कारण बताए, मयूर कब नृत्य करता है, अब देखना जब आकाश में मेघ छा जाए, गड़गड़ 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 शब्द होने लग जाए, बिजली चमकने लग जाए, तभी मयूर पंख पंख खोल करके तब नृत्य करता है। बोले कृष्ण का शरीर का अंग का रंग कैसे, बोले काला मेघ जैसे, पीताम्बर कैसे, बिजली, और जो बंसुरी बजाते गड़गड़ 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 जैसे शब्द होता है। एक दिन कृष्ण बंसुरी बजा रहे थे, इतने में मयूर तो एकदम पंख खोल करके नाचना शुरू कर दिया है। एक व्यक्ति कब नृत्य करता है, आनंद से, जैसे कोई नाचे ना, हम पैसा लेकर घुमा घुमा कर देते हैं, हैं? हमारे भारत में लेकर के खुश होकर देते हैं। इसलिए आज मयूर ने बड़े सुंदर नृत्य किया, कृष्ण का रूप को देख करके सोचा कृष्ण को तो कुछ देनी चाहिए ना, बोले मेरे पास में तो कुछ है ही नहीं, मेरे पंख सिवाय, मेरे पास में पंख ही है। इतने में मयूर ने अपना पंख को झाड़ दिया, झाड़ दिया तो उससे एक मयूर पंख गिरा, और गिरते ही वो प्रेम का वस्तु है ना, कृष्ण उठाया और अपना सर पर रख लिया। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ये बात को कहते हैं, इसलिए कृष्ण मयूर पंख धारण करते। कितना कारण हो गया, कितना हो गया, चार हो गया। हाँ, पंचमा कारण बताए, बोले मयूर का नृत्य सुंदर, बड़ा सुंदर नृत्य। देखा है मयूर का नृत्य कभी, मयूर का नृत्य देखा कभी, देखे नहीं? बहुत सुंदर नृत्य है, जब आकाश में मेघ छा जाता है ना, पंख खोल करके थिरक 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 करके ऐसे 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 बड़े सुंदर नृत्य करता है, हैं? बड़ा सुंदर मयूर नृत्य, बड़ा सुंदर नृत्य है। इसलिए कृष्ण कहते हैं जगत में मयूर पंख इसलिए लगाते हैं, कहते मेरा नाम नटवर है, शंकर जी का नाम नटराज है, नटराज नृत्य में सर्वश्रेष्ठ शंकर जी, लेकिन शंकर जी को भी मात करने वाले भगवान के नृत्य हैं, इसलिए भगवान मयूर पंख लगाते हैं, मैं सबसे सुंदर नृत्य करता हूँ। कितना कारण हो गया, पांच कारण हो गया। छठवा कारण बताए, एक दिन कृष्ण रास्ता में चल रहे थे, देखा एक मयूर पंख मेन रोड में पड़ा हुआ। मयूर पंख ने कहा, कृष्णा मैं जिसको पीछे लगा था ना, उसने मेरे को त्याग दे दिया, देखो मैं मेन रोड में पड़ा हुआ हूँ, मेरे को कोई पूछने वाले नहीं। कृष्ण ने कहा, चिंता क्यों करते हो, दुनिया में जब किसी को कोई पूछते नहीं, दुनिया में जिसको कोई भी नहीं पूछने वाले, पूछने वाला मैं हूँ। इसलिए कृष्ण उठाया और कहाँ पर लगा दिया, अपना सर पर लगा दिया। मतलब है जगत में किसको जो पूछते नहीं, उसको कौन पूछते हैं, कृष्ण ही पूछते हैं। क्यों, कृष्ण करुणा से, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए बोले गुंजाब तंस परिपीछ लसत मुखाय, बोले बन्न सृजे, भगवान के श्रृंगार कैसे हैं, हैं? बन्न सृजे, कृष्ण जब वृंदावन में जाते हैं, कभी सखियां उनको कुंज में बैठा करके श्रृंगार करती हैं,
कभी सखाएं उनको श्रृंगार करती हैं, वन से फूलों को द्वारा, सुंदर सुंदर पत्ते को द्वारा, सुंदर गौरी की, वहां से गौरी की धातु मिलता है, तिलक लगा देते हैं उससे। इसलिए कृष्ण कहते देखो यद्यपि मेरे को वैकुंठ में भी लक्ष्मी श्रृंगार करती है, द्वारका में भी मेरे को महिषियां श्रृंगार करती है, लेकिन सबसे सुंदर श्रृंगार मेरी कहाँ होता है, जब वृंदावन में सखा और गोपियां मेरे को जब निकुंज में श्रृंगार करती है, वो सबसे सुंदर श्रृंगार। अब लोग कभी अगर गर्म का समय में कभी वृंदावन में आओगे ना, कभी आप देखोगे वहां पर एक राधा वल्लभ एक बांके बिहारी, आप देखना क्या सुंदर उनका श्रृंगार, सुंदर कलियों में फूल का जो कलियों में उनका दोपटा वस्त्र मुकुट सब कुछ कलियों में श्रृंगार होता है, अद्भुत श्रृंगार है। इसलिए फूल में सज रहे श्री राधा रमण बिहारी, फूल में सज रहे राधा विनोद बिहारी, इसलिए बड़े सुंदर। इसलिए कहते हैं वन्य सृजे विशाल वेणु, भगवान बड़े सुंदर बंसुरी बजाते हैं। बोले क्यों? बोले बंसुरी में दो गुण है। कितना गुण है बंसुरी में? कहते दो गुण है। बोले पहला गुण क्या? बोले उसका जो अंदर है ना पोला है एकदम खाली, मतलब भगवान कहते हैं मेरे पास में आओ दिल को साफ करके, दिल को साफ करके आओ, कपटता को नहीं लेकर के, हृदय को खोल करके। और कृष्ण जैसे बजाना चाहते हैं ना, वो बंसुरी से वही से ही आवाज निकलती है, आवाज उसको वही से ही निकलती है, तभी कृष्ण बजाते हैं। इसलिए रंध्रान वेणु रधर सुधया है, इसलिए कद बन्न सृजे विशाल वेणु मृदुपदे पशु कवल बेत्र विषाण वेणु। कहते भगवान खाते हैं क्या? दही भात कभी खाए हो? खाए हो? खाए हो? सुरीनाम में खाते हैं ना दही भात, यहाँ भी खाते हो। इसलिए कृष्ण कहते हैं यद्यपि मेरे को वैकुंठ में छापान भोग 36 व्यंजन लगाते हैं, लेकिन सबसे प्यारा भोजन मेरा क्या है? बोले दही चावल, दही भात, दूध भात, दूध में भात, दही में भात डाल करके, कहती ये सबसे मेरा भजन प्रिय भजन है, हैं? सबसे ये मेरे प्रिय भजन है। इसलिए मृदुपदे पशुपांग जाय, हैं? कहते हैं मृदुपदे भगवान ये वृंदावन धाम की महिमा कहते हैं, भगवान हर अवतार में पादुका पहने, लेकिन केवल एक कृष्ण ही ऐसे एक अवतार हुए हैं कभी उन्होंने पादुका ग्रहण नहीं किया, कभी जूता नहीं पहने। इसलिए वृंदावन में भगवान जब चलते थे उनका चरण का स्पर्श पा करके, इसलिए कहते पृथ्वी का चरण स्पर्श, कहते जो घास है ना, बोले ये घास नहीं, कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके जैसे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, हाँ जैसे कोई रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो घास रूप में रोंगटे खड़े हैं, उसमें जो झरना, बोले झरना नहीं, कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके पृथ्वी का आंखों से आंसू बहती है, भगवान मेरे हैं मेरे ऊपर में भगवान चरण स्पर्श कर रहे हैं, जिस चरण को पाने के लिए ब्रह्मा शंभु अमरपति गणेशार्चित पदम, ब्रह्मा शंकर नारद लक्ष्मी भी जिस चरण के लिए तरसते हैं, आज वो चरण मेरे ऊपर में प्रभु दे रहे हैं, इसलिए पृथ्वी प्रसन्न हो रही है। इसलिए कहते वृंदावन धाम के कितने महिमा, इसलिए लास्ट में कहते हैं पशुपांग जाय, ब्रह्मा एक अच्छी बात कह रहे हैं, बोले कृष्ण कौन है? बोले पशुप, बोले पशुओं को जो पालन करते हैं, गैया को जो चराने वाले कौन? श्री नंद बाबा, उनसे जो जन्म हुए, मतलब ये नंद लाला, ये जसोदा लाला, ये श्री गोकुल में जन्म हुए कृष्ण, इसलिए बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्री नंद के लाला की जय। इसलिए कहते तन नाम रूप है, ये हम पहला श्लोक को सुने ब्रह्मा जी क्या बोले, फिर मैं जो दूसरा बार आऊंगा ना फिर सुनेंगे, फिर ये मथुरा की जो ब्राह्मणिया बोले श्यामम हिरण्य परिदिंग बनमाल बरहा, जब फिर दूसरा बार आएंगे सुनेंगे इनका रूप कितना सुंदर, फिर राधा रानी क्या कहती है इसको भी हम सुनेंगे, ठीक है? इसलिए क्या करनी चाहिए, उनका नाम करो, उनका सुंदर जो रूप है वो रूप को सुंदर स्मरण करो, और क्या करो
उनकी लीला कथाओं को सुना, उनकी महिमा को सुना, इसलिए रूप गोस्वामी कह रहे हैं। लेकिन भजन कैसे करने चाहिए? बोले तिष्ठन ब्रज, वृंदावन में रह करके भजन करो। बोले वृंदावन में जाएंगे तो भैया पैसा कहाँ से आएगा? ईरो हलान में रहकर ईरो कमाते हैं ना, तब तो वृंदावन में आएंगे। अगर वृंदावन में रहेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? कहते भले ही शरीर से जहाँ पर रहो, लेकिन मन में, मन से वृंदावन में रहो, मन में वृंदावन में रहो। अगर घर में, अगर हमारे ठाकुर को पूजा है घर में, अगर ठाकुर जी की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, ठाकुर जी के नाम करते हैं, घर में कीर्तन करते हैं ना, वो घर में नहीं वृंदावन में रह रहे हैं। आप लोगों का घर ही वृंदावन है, भक्तों का घर ही, प्रभुपाद कहते हैं मेरे भक्तों का घर वृंदावन। क्योंकि जिस घर में कीर्तन, भगवान के नाम, पूजा हो, वही घर ही वृंदावन। अपना घर को ही वृंदावन का स्वरूप दे करके तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी। क्या करो? बोले तदानुरागी जनानुगामी। किसकी अनुगत्य में भक्ति करनी चाहिए? वो जो भगवान की शरण में जिनकी अनुराग है, भगवान की चरण में जिनकी भक्ति है, हैं ऐसे भक्तों का अनुगत्य में कहीं भी रहो, भक्तों की, साधुओं की अनुगत्य में अगर हम रहते हैं, हम वृंदावन में रहते हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये जितने सारे उपदेश है, ये उपदेश का सार ये है। अगर इसको अगर जीवन में उतार दिया तो वह सीधा ठाकुर जी को बैक टू गॉड है, ठाकुर जी के चरण में वह घर, अपना घर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरी हरी हो।